कश्मीर में ज़रूर हमें थोड़ा नुकसान हुआ है, हालांकि हमने वहाँ भी बहुत अच्छे काम किए, वहाँ भी शांति का वातावरण हमने कायम किया, वहाँ भी पर्यटक निर्बाध गति से मतलब भयमुक्त वातावरण हमने देने का प्रयास किया। कश्मीर में ज़रूर थोड़ा भ्रम पैदा करने में हमारे विरोधी कामयाब हुए, जम्मू में हमको अच्छा आशीर्वाद मिला है और हरियाणा में तो जनता ने हैट्रिक बनाने का हमको मौका दिया है, हम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका आभार, और जो हमने कहा है वो हम पूरा करेंगे। सर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में सतीश पूनिया थे, प्रभारी हरियाणा में, उन्होंने भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, भजनलाल शर्मा भी थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, तेजल सुपर डुपर पे डांस कर रहे थे, राहुल कसवा, गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन वो गमछा घुमाना काम नहीं आया क्या? मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा गमछा घुमाने में खुद घूम गए, ऐसा ये थोड़ी सी उनसे त्रुटि हो गई, लेकिन हाँ बोल, अब देखिए काम नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही कुछ भ्रम पैदा करते रहेंगे, उल जुलूल बातें करते रहेंगे। राहुल जी ने जो आरक्षण के बारे में विदेश में जाकर के बोला, वो भी उनके गले की फांस बन गई। राहुल जी कब क्या बोल देते हैं, लोकसभा में हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोल दे, ये भी मैं सोचता हूँ कि हिंदू कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, जो हिंदू हमेशा सर्वे भवंतु सुखिना का भाव रखता है, उसको हिंसा के साथ जोड़ने का जो राहुल गांधी ने सर्वोच्च सदन में जो प्रयास किया, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि हरियाणा और जो राजस्थान है पास पास में है और कई जिले टच होते हैं? देखिए राजस्थान में हम विकास के मुद्दे पर, राजस्थान में हम डबल इंजन की सरकार के बजट, दोनों बजट, केंद्र और राजस्थान के बजट को लेकर के जो हमने वहाँ काम किया उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। देखिए हमने तय किया था कि हम संविधान को नहीं छेड़ेंगे, आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को मस्तक पर रखा, सम्मान किया, ये जनता ने देख लिया। डबल इंजन की हमारी सरकार बनी लेकिन हमने आरक्षण को छेड़ा नहीं, जबकि राहुल गांधी ने आरक्षण को छेड़ा। और दूसरा देखिए, किसान के लिए हमने इतने काम किए, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो हमने बढ़ाई, किसान के लिए जो संयंत्र काम में आ रहे हैं उनको हमने सस्ता करने की कोशिश की, ड्रोन के माध्यम से जो वहाँ पर छिड़काव करने का काम, जिससे कि उन्नत फसल बने, उनकी अच्छी फसल अच्छी उपज हो, ये हमने प्रयास किया, ड्रोन दीदी योजना हमने दी, नीम कोटेड यूरिया हमने किसान को दिया, किसान सम्मान निधि दी, यही नहीं किसान के लिए जो बीमा योजना जो हमने दी वो एक अच्छी, यानी किसान की फसल बोने से लेकर के और मार्केट में पहुंचाने तक का बीमा हमने सुनिश्चित किया, यही नहीं किसान को अच्छी उपज मिले इसके लिए ई नाम योजना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हमने दिया, ताकि किसान अपनी मंडी में कहीं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जहां कहीं भी उसको अच्छा भाव मिले वहां वो अपनी फसल बेच सकता है। इस प्रकार का हमने जो किसान को लाभ दिलाने की दिशा में हमने काम किया, ये सब जानते हैं, तो उसका किसान ने भी हमको आशीर्वाद दिया। विनेश फोगाट पर नजर टिकी हुई थी पूरे देशवासियों की, विनेश फोगाट के सामने योगेश कुमार है, 4000 कभी आगे जाते हैं पीछे आ रहे हैं, मतलब वहां पर कड़ी चुनौती बताई जा रही है उस सीट पर। देखिए मैं तो इन पहलवानों के लिए भी कहना चाहूँगा कि पहलवानों को अपनी प्रतिभाएं निखारने में, उभारने में, प्रोत्साहित करने में, आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए, राजनेताओं के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उनको यदि राजनीति में आना है तो स्वस्थ परंपरा से राजनीति में आए, उनको रोकने का मैं प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन किसी दूसरे की कठपुतली बनकर के एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना। सर आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ जवाब रहेगा? मैं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी मेरे साथ विधानसभा में रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको अच्छा आदमी मानता हूँ,
हाँ, लेकिन वो हमारा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको हमारी पार्टी के बारे में अभी पता नहीं है। वो हमारी पार्टी की रीति नीति समझेंगे तो अकल आएगी, ठिकाने लाइन पे आएंगे। जब समझ में आ जाएगी तो मैं तो सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कोई अच्छा आदमी, हर अच्छा आदमी, देशभक्त आदमी आए तो हम तो स्वागत करेंगे। हाँ नहीं, अशोक गहलोत जी थोड़े सुधर तो गए हैं, कुछ परिवर्तन तो आया है, उनके व्यवहार में भी बदलाव आया है। कभी वो हमारे मंत्री पर आरोप लगाते थे और आज खुद उनके जो पास में जो व्यक्ति था OSD, उसने भी पोल खोल दिए। हाँ, देखिए, हमारे सिपाही हैं, वो जन सेवा के लिए समर्पित हैं। नारा कुछ भी दे दो, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। हम सब लोग, सारे ही लोग जन सेवा, जो मोदी जी हैं उनको 140, मतलब अपना परिवार उनका क्या है, उनका 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार है, प्रत्येक भारतवासी को वो समृद्ध करना चाहते हैं। इसी की तर्ज पर जो अभी नायक बने हैं नायब साहब, वो भी उसी की तर्ज पे काम कर रहे हैं। भजनलाल जी भी उन्हीं की तर्ज पे काम कर रहे हैं। कोई और कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, जन सेवा। राजस्थान, देखिए मैं एक बार बताऊं, सतीश जी पूनिया गए, हमारे मुख्यमंत्री जी गए, राजेंद्र जी राठौड़ गए, हमारे कई नेता गए, तो जाएंगे हम हमारा परिवार है, एक परिवार है, वो भी हमारे यहाँ आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, और सीमाएं जुड़ी हुई है, हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करते भी हैं। और वहाँ जाके भी करना क्या है, करना यही है कि हमारी रीति नीति जनता के सामने रखनी है, और वो जनता ने माना तो मैं तो उनका भी और अभिनंदन करूंगा कि जहां जहां उन्होंने प्रयास किए उसमें सफलता मिली, तो उनका भी धन्यवाद।